बेफिक्र होकर दीजिए, यहाँ आपके बच्चे का बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा, आपका बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ बन के लेगा, ये हमारी गारंटी है। प्लस उन्होंने कहा था क्लास 1 से क्लास 5 तक कोई फीस नहीं पड़ेगी, कोई प्रेशराइज नहीं करा जाएगा, किसी चीज का आप लोगों के ऊपर सताया नहीं जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे बात करना, हम आपका सॉल्व करेंगे। साल खत्म होते ही समझ लीजिए यहाँ पर फीस बढ़ा दिया गया सीधा 800 रुपए, कोई बात नहीं उसपे भी हम लोग को नहीं, चलो ठीक है बात कर लेंगे। लेकिन अब जो एकदम से उन लोगों ने लागू किया है 50 रुपीज पर डे लेट फाइन को लेके, आप ये बता दिए कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ कहते कि जब अगर शिक्षा ना हो तो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, ना समाज में ना कहीं और। ऐसे में इसी वजह से हर माता पिता का ये ख्वाब होता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छा शिक्षा हासिल करें और समाज में कुछ ऐसा काम करें कि लोग उन्हें पहचाने। ऐसे में हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल चूज करते हैं जहाँ पे उनके बच्चों को शिक्षा दिया जाए, मगर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो शिक्षा के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हैं। जी हाँ, नारायणा स्कूल, जी कोलकाता के फेमस नारायणा स्कूल के कुछ पेरेंट्स का ये एलिगेशन है कि जहाँ पे नारायणा स्कूल गलत तरीके से स्कूल के पेरेंट्स से रकम वसूल की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसे में पेरेंट्स का ये एलिगेशन है कि स्कूल फीस लेट भरने पर लेट फाइन के नाम पर डे 50 रुपये पेरेंट्स से वसूला जा रहा है, जिसके वजह से अगर स्कूल के पेरेंट्स और अगर फीस भरने पर देर कर रहे हैं तो उनके बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रही है। एलिगेशन लगाया है स्कूल के कई सारे पेरेंट्स ने, बता दूं उनका ये कहना है कि अगर हम स्कूल का फीस लेट भरते हैं या लेट फीस अगर लेट भरते हैं तो मेरे बच्चों को घंटों क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है या फिर उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, जिसके वजह से स्कूल के कई सारे पेरेंट्स ने इस बात का विरोध किया कि अगर लेट फीस भरने में वक्त लगता है तो क्या आप मेरे बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे। ऐसे में ये तमाम बातों को लेकर कई सारे पेरेंट्स वहाँ विरोध करते नजर आए। बता दें एक वक्त हुआ करता था जहाँ पे शिक्षा को मान्यता दी जाती है, मगर अब शिक्षा एक कारोबार बन गया है, मोटी मोटी रकम वसूला जाता है, जहाँ बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाता है। ऐसे में क्या एलिगेशन लगाते हैं स्कूल के पेरेंट्स ने, क्या कुछ कहना है, क्या हुआ था जिसकी वजह से आज स्कूल के तमाम पेरेंट्स वहाँ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक और आइए देखते हैं क्या कहना है स्कूल के पेरेंट्स का इन नारायणा स्कूल के बारे में। हमारे साथ ऐसा है, क्लास 1 से जब हमने एडमिशन लिया गया तो एक यहाँ मम्पी मैम है जो ज्यादा जाल में फंसाने वाली है और बहुत लोगों को उन्होंने फंसाया है, और जब कहा था कि आप बेफिक्र होके दीजिए, यहाँ आपके बच्चे का बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा, आपका बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ बन के लेगा, ये हमारी गारंटी है। प्लस उन्होंने कहा था क्लास 1 से क्लास 5 तक कोई फीस नहीं पड़ेगी, कोई प्रेशराइज नहीं करा जाएगा, किसी चीज का आप लोगों के ऊपर सताया नहीं जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे बात करना, हम आपका सॉल्व करेंगे। साल खत्म होते ही समझ लीजिए यहाँ पर फीस बढ़ा दिया गया सीधा 800 रुपए, कोई बात नहीं उसपे भी हम लोग को नहीं, चलो ठीक है बात कर लेंगे। लेकिन अब जो एकदम से उन लोगों ने लागू किया है 50 रुपीज पर डे लेट फाइन को लेके, आप ये बता दिए कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ 50 रुपीज पर डे होता है। 100 रुपीज 200 इनफ, इससे ज्यादा नहीं होता। हम लोग के और भी बच्चे बड़े बड़े स्कूल में, ये कंगालियों के नाम में आ रहे हैं, ये बड़े के स्कूल में नाम में नहीं आ रहे है। ये जिस नाम से चल रहा है राजा हंड न्यू टाउन के नाम से अलग, वरना ये कुछ नहीं है। हम लोग की जब मैम ने फंसाया है यहाँ पर, वो ऐसा उनको उनको बुला के लाइए, हमें उनको उनका गला पकड़ना है, नोचना है कि जो तुम्हारे वादे थे 5 साल के, जो ममता जैसे तुमने वादे दिए थे, वो तुम हो कहाँ, तुम कहाँ मर गई, तुम आखिर क्या बात है ऐसा। अभी मसला ये हुआ है, मसला ये हुआ है कि जिनका फीस पे नहीं था उनको समझ लीजिए एक महीना अगर डिले हुआ है तो 1500, 2000, 3000 रुपया फाइन हो गया है 50 रुपया पर डे के साथ। स्कूल का फीस 4000, 4500, 5000 अलग अलग क्लास का, 4800, 8000 भी है, 11000 भी है ऊंचा ये का, ऐसा कोई स्कूल का नहीं है, और 11000 भी फीस है क्लास 11-12 का। तो अगर पर डे 50 रुपीज करके है, अगर पेरेंट्स एक महीना डिले होता है तो 1500 रुपया जो है वो लेट फाइन है, फीस पे कर दिया गया है। लेट फाइन पे नहीं करने के वजह से जो है स्टूडेंट्स को एग्जाम चल रहा है सेकेंड टर्म का। मम्पी जी है ना, बोलती है क्या नाम के, अगर एक बार मेरे बेटे का फीस लेट हो गया एक दिन, तो बोली मैंने उनके पास गुजारिश के लिए गई कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गोल ब्लैडर का मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं अगले दिन आकर के फीस पे कर दूंगी। तो उन्होंने मुझको बोला कि एक काम करिए, अपना बच्चा भी जब फीस लेके आए तभी दीजिएगा, और फोन करके प्रेशर बनाती है क्लास टीचर कि मैम फाइन पे करिएगा तो हम अपने आपके बच्चे का एग्जाम लेंगे, वरना कोई एग्जाम मजदान नहीं लेंगे। मैंने कहा है कि ऐसा थोड़ी ना होता, बच्चे को टॉर्चर मत कीजिए, हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो पेरेंट्स हैं, देखिए हम तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो वो बोलती है कि वो शाजिया,
जो कर मिले वो कर लो, फाइन तो आपको देना पड़ेगा, एग्जाम नहीं लेंगे यहाँ पे रह करके एग्जाम ने और देखते रिसेप्शन पे भागा हुआ है एक सुभाष नाम का एक इंसान बैठता है वहां पर रिसेप्शन पे। और उस दिन मैं गई, उनने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि उठा के कि यहाँ से जाइए निकलिए, पुलिस वाले बुला करके रखे हैं, दो अंदर दो बाहर। अब मम्पी मैम भागी भी है हम लोग का पैसा लेकर के वो भागी हुई है। मेरे आठ हजार का ये लोग बुक्स देते हैं, आठ हजार का बुक्स देते हैं, और तीन बुक्स जो है मेरा बेटे को वन में नहीं मिला, और अभी भी टू बुक्स मेरे बेटे को टू क्लास में भी मेरे बेटे को दो बुक्स नहीं मिला, जिससे मैं जीरोफ कर करके अपने बेटे का कंप्यूटर का एग्जाम दिलवाई पिछली बार, ठीक है, अभी भी नहीं मिला। तो 8000 का बुक्स ले रहे हैं, अब उसका जो मेरा बुक्स का पैसा है तो वो फाइन में फाइन लगाइए, फाइन तो बाद में भेजिए, मेरा बुक्स का पैसा वापस कराइए। मेरे बेटे को पीटी ड्रेस मिला, ऊपर का मिला, बोला मैम टी शर्ट ट्राउजर है, टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट दे करके इसको भगा दिया कि टी शर्ट मैं ट्राउजर मार्केट से खरीदी। ये आलू गोभी की तरह स्कूल चला रहे हैं, हम पेरेंट्स खून पसीना भाग के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी इनकम भी इतनी नहीं है कि हम क्या नाम अपना सारा बच्चों को इनकम इसी में चला जाता है, इस दिन के लिए अपने बच्चों को डाले थे डॉन बॉक्सर स्कूल, 7 डे स्कूल, ये सब टॉप स्कूल, ये कोलकाता में तरक्की कर रहे हैं, पता है आपको इतना बढ़िया स्कूल है ना, ये एक महीने का वहां पे कोई नहीं, अगर बताओ ये लोग फाइन, ये इंटरेस्ट खुद उठा रहे हैं फाइन के नाम पे, फाइन जो है ना इंटरेस्ट खुद उठा रहे हैं, बिजनेस स्कूल बिल्कुल बिजनेस चला रहे हैं ये लोग, और हम लोग चलने नहीं देंगे। ये मैं सोचा कि यूनिटी बहुत कम है, कोई असर नहीं पड़ेगा, हम लोग चार लोग ना फाड़ के रख देंगे यहाँ पर, इससे फाइन की वजह से एग्जाम भी रोक दिया, फाइन दोगे तभी एग्जाम लोगे, और हम सर कैसे कैसे सुनिए बुक्स का जो बात बोले है ना, 50% बच्चे को पेमेंट लेने के 2-3 महीने बाद पूरा बुक्स मिला है, नहीं मिला है मेरे बेटे को अभी भी दो बुक्स नहीं मिला है, और बोलते हैं कि उस वक्त आप कहाँ थी, कहाँ सो रहे थे, फाइन की वजह से एग्जाम नहीं लेंगे ब्रांच में हैदराबाद, कल क्या गया कि हम लोगों का मसला नहीं है, ये ब्रांच में जाके बोलिए, वो लोग हाथ नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट तो खुद उठा के खा रहे हैं। ये देखिए पीछे ना स्कूल बन रहा है पीछे, इन लोग के पास पैसा खत्म हो गया है, ये लोग एडमिशन ले लिए, पैसा हो गया खत्म, अब ये बच्चों की माँ पेरेंट्स से फाइन उठा करके ये पीछे बनाएंगे स्कूल। नहीं, क्या है ना, चलिए सबसे पहला बात कि किसी तरह नहीं, आप एडवांस पैसा ले रहे हो, एडवांस हम लोग भी देते हैं, तो हम लोग जब एडवांस दे सकते हैं, किसी कारण से किसी आदमी को, किसी पेरेंट्स को कोई मजबूरी हो जाए, किसी कारण से वो टाइम पे पैसा नहीं दे, तो इसका क्या मतलब, पर डे 50 रुपए लेट फी देंगे, ये तो गलत है, ये तो 50 रुपए ये होना नहीं बेटी देना, ये बहुत गलत है, बच्चे से क्या लेना देना, उसके मनोबल पे क्या पड़ रहा है, बच्चे के मेंटल में क्या असर पड़ेगा, आप जो मेंटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बच्चा तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है, बच्चे को अंदर अंदर क्या महसूस हो रहा है, और जिस ब्रांड के हिसाब से हम लोग स्कूल में डाले हैं वो ब्रांड का तो कोई यही नहीं बन रहा है, दिला वजह का खाली इधर से उधर। मेरे बेटे को कान में इतनी तकलीफ है ना, डॉक्टर को दिखा करके आई हूँ, वो एग्जाम की वजह से स्कूल आया है, और कल भी उस दिन भी 4 घंटा बिठा करके 4 घंटे में मेरा बच्चा 4 घंटे स्कूल क्या किया, इतनी तकलीफ में हम क्या पागल हैं? क्लास टीचर से फोन करवाया जा रहे हैं सारे पेरेंट्स को क्लास टीचर से फोन करवाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग करा जा रहा है कि अगर आप फीस पे नहीं करोगे आपका बच्चा एग्जाम नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा, जब हमने पे किया है, फीस दिया है, हमारा बच्चों को एग्जाम देने का हक है, रिजल्ट लेने का हक है, फाइन को लेके फाइन भी रखो, तरीके से रखो, पर मंथ ले 100-200 जो भी है, ये सब जगह है, आप मुझे एक बार भी बता दो कि इस स्कूल में पर डे है, बिल्कुल नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे गड़ जाएंगे, लेकिन फाइन नहीं देंगे, और बच्चे को एग्जाम तो दिलवाएंगे चारों के चारों, उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है, अगर हमारा मन अच्छा लगेगा 6 महीनों में, अगर ये 6 महीने में फाइनल तक अगर हमें लगेगा यहाँ सुधार आ गया है, हम यहाँ रखेंगे वरना हटा लेंगे, लेकिन हटाने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे मेरा बच्चा तो क्या फ्यूचर तो सेट हो जाएगा सबका, लेकिन यहाँ किसी का फ्यूचर सेट नहीं होगा, यहाँ की ऐसे बदनामी करेंगे ना कि ये मुंह दिखाने के लायक ना, पंपी प्रिंसिपल प्लस ये शाजिया जो वार्निंग के साथ बात करिए है, सबको बताएंगे ना, बताएंगे सबको, बच्चे को सर टॉर्चर करते हैं, फाइन की वजह से एग्जाम रोक दिया गया। मैं सिर्फ अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ आप सबके लिए, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, हमने अपने बच्चे को देखे यहाँ गलती कर दी, कोई भी पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करे, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ बर्बाद ना करे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने, हम पछता रहे हैं पल पल, और हमारी मीडिया के जरिए जहाँ भी आवाज जाए सब लोग सुने, सब लोग हमें सपोर्ट करें, और 50 रुपए रोज फीस बढ़ा देते हैं हर साल, और 50 रुपए फाइन,
बड़ा बड़ा स्कूल तरक्की कर रहा है। वो माने एडवांस पेमेंट ये लोग लेते हैं, ये लोग एडवांस पेमेंट लेते हैं क्वार्टरली, और 3 महीने का फाइन जो है वो माने हम लोग 2 महीना नहीं पेमेंट किए तो वो 3 महीने का वो लिया है, 2500 फाइन लिया है एक बच्चे का, 2000 दो बच्चे का हम 5000 रुपया फाइन दिए हैं उनको जी, 5000 फाइन दिए नहीं, क्वार्टरली जो जमा नहीं किए हैं अभी, ये सितंबर अभी बाकी है हमारा, सितंबर के अंदर में माने उसको जुलाई में दे देना था पेमेंट, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ का पेमेंट करना था, तो मैं ये अभी सितंबर में पेमेंट किया हूँ, तो उसका 3 महीने फाइन लिया है 2500 रुपया एक बच्चे का, 2 बच्चे का 5000 रुपया फाइन दिया हूँ। ऐसा कहीं होता है क्या 5000 रुपया फाइन यहाँ पे है क्या? पर डे है सिस्टम, पर डे 50 रुपया का सिस्टम ये लोग बनाया है, पर डे 50 रुपया का ये लोग सिस्टम बनाया है। अरे किसी तो हमारे दो बच्चे है ना, 2 बच्चे का 5000 रुपया फाइन हम दिए हैं, उसके बाद में वो एग्जाम देने दिया है, नहीं तो नहीं दिए, नहीं दे रहा था। हम लोग भी तो एडवांस दे रहे हैं, ये गलत काम है। मेन बात जो है ये जो चारों तरफ का जो आबादी है, इस आबादी में ब्लैंक कॉल जाता है नारायणी की तरफ से, और बहुत सारा फेक प्रॉमिस किया जाता है, जैसे हम लोगों को भी किया गया है फेक प्रॉमिस, ये होगा वो होगा, फीस नहीं बढ़ेगा आपके बच्चा ये रहेगा, सोना के गद्दी में रखेंगे, लेकिन पता चल रहा है यहाँ डालने के बाद कि ये स्कूल ही कीचड़ है, सोना का गद्दी क्या देगा।